forgot to talk about was that your first movie that you actually were part of was Qayamat Court, right? Karamati Court. Yeah. And in that, man, there's this, your role was 30 minutes and then it got to 2 minutes and got to 30 seconds? No, it shuru se hi wo 3 minute ka hi tha. And I was very happy. क्योंकि आप सिनेमा में किसी तरह से आप सोचते हैं यार कोई तो बुला ले सिनेमा में, सब तारीफ करते रहते हैं टेलीविजन में, बट यू वांटेड टू बिकम अ सिनेमा एक्टर और आपको रोल कोई देता नहीं था, तारीफ सब करते थे, तो इसमें मिल गया था मुझे, तो वो एक यू नो आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई थॉट कि अब बस ब्रेक है बस बस. And for this, you had to get your own clothes. हाँ, मैं उसमें इतना excited हो गया था, अपना costume खुद बनाया मैंने, you know, color choose किया, और उसमें एक walking shot था, तो उसमें 3 minute में से 1.5 minute तो walking shot ही था उसका. That was the first time you had come on film, and we have the image of the first shot. रजत बाबू, हुआ ये कि एक वक्त ऐसा आ गया था जब मेरी पत्नी नीतू ने भी कहा मुझसे और मैंने अपने आप से भी कहा कि मैं अब मुझे बोरियत हो रही है फिल्मों में, मैं सिर्फ जर्सी पहन के ऊटी स्विट्जरलैंड जाके सिर्फ गाना गा रहा था, पेड़ों के इर्द गिर्द हीरोइन के साथ सिर्फ भाग ही रहा था, हाँ पैसे बना रहा था, लेकिन एक्टिंग का जो मुझे शौक़ था वो मुझे कोई ऐसे रोल्स मिल नहीं रहे थे. तो मैंने सोचा कि अब वो बच्चे नए भी आ गए थे, सलमान, शाहरुख, आमिर, ये सन 96-97 की बात कर रहा हूँ, 98 की बात कर रहा हूँ. तो मैंने सोचा कि मैं वॉलंटरली अपने इस करियर को छोड़ दूँ, बहुत हो गया 25 साल लगातार काम करना, 73 से 98 तक, 98 में मेरी फिल्म कारोबार लगी थी, वो उस तब तक काम करना एक बहुत बड़ा एक इनिंग्स होता है जो कि बहुत कम लोगों ने शायद इसे हासिल किया है. आपको काम देना डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि आपने खाने पर और पीने पर ज़्यादा ध्यान दिया. ये भी है कि एक हमारे कपूर खानदान और परिवार पे जो एक दोष है, जो खाने पीने का जो शौक है, तो सर मैंने फिर उस वक्त थोड़ा अपने आप को छोड़ दिया और फिर 99 से लेके मैं अब तक मैं अब कैरेक्टर रोल्स कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है. अब जाके मुझे कुछ काम करने का मौका मिला है, मैं कुछ रोल्स कर रहा हूँ जिनसे मुझे मज़ा आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा.